फ्रेंड्स, आप सबसे कम बजट के फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पोको M6 Pro 5G फ़ोन, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो कलर पे आता है। और आप इसका प्राइस देख सकते हैं 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये में आपको 5G फ़ोन मिल जाएगा। तो कुछ इसके स्पेक्स के बारे में हम देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इसमें देख सकते हैं 3 वेरियंट में फ़ोन आता है, 6 GB और 4 GB और 8 GB। और इसका प्राइस भी अलग अलग है। और 6 GB की हम बात कर रहे हैं, इसका प्राइस 10,000 रुपये है। और इसमें देख सकते हैं डुअल सिम है और IR ब्लास्टर है, 5G फ़ोन है, स्नैपड्रैगन Gen 1 4 चिपसेट पे काम करता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इसके कुछ सिमिलर फ़ोन हैं, आप देख सकते हैं मोटोरोला और शिओमी और सैमसंग की ओर से आने वाले फ़ोन। यहाँ पर जनरल अपेक्स की बात करेंगे तो ये एंड्रॉयड 13 पे काम करता है और इसकी फ़ोन की जो थिकनेस है 8.17 mm है। और इसमें जो वजन है ये 1.99 ग्राम है और सिंगल साइड फिंगरप्रिंट है। और इसमें अगर बात करें कि इसमें निट्स ब्राइटनेस की, तो इसमें 550 की निट ब्राइटनेस मिलने वाली है, जो कि अच्छा आपको दिन में आप देख सकते हैं। और 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा और टच सैम्पलिंग रेट 240 टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। और इसमें कैमरे की बात करें तो इसमें डबल कैमरा मिलेगा, जिससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट का 8 MP का मिलेगा। और इसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 2.2 GHz का प्रोसेसर का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा और 6 GB और 128 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी, जिसकी प्राइस करीब 10,000 रुपये होगी। और इसमें देख सकते हैं टाइप सी होगा और ब्लूटूथ 5.0 होगा। अगर हम डिटेल्स के बारे में देखें तो इसमें डिटेल में आप देख सकते हैं इसके स्पेक्स के बारे में, दो कलर होगा ब्लैक और ब्लू। और इसमें जो IPS डिस्प्ले काम करेगी, इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन दिया गया है। और इसमें जो डिस्प्ले होगा पंच होल डिस्प्ले होगा, जो सामने का कैमरा होगा उसको पंच होल होगा। इसमें जो सिम स्लॉट है हाइब्रिड है। इसमें आप कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें आपको 3G 4G 5G मिल जाएगी और आपको इसमें USB टाइप सी देखने को मिलेगा। और इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर और इसमें 3.5 mm का जैक आपको देखने को मिलेगा। IP53 की रेटिंग है इसमें। और देख सकते हैं कैमरा, कैमरे में लगभग आपको सभी फीचर देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो रिकॉर्डिंग है और फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से लगभग आप 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड सकते हैं Full HD पे। और जिसमें कस्टम UI है इसमें 14 है, Qualcomm Gen 1 4 2 पे काम करता है। और इसमें जो बैटरी है 5000 mAh की बैटरी है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर अमेजोन दिया है और फ्लिपकार्ट इसको 9,999 रुपये का दे रहा है। और इसका देख सकते हैं कुछ दिनों का प्राइस रेंज कैसे ऊपर नीचे हुआ है। जब फ़ोन ये लॉन्च हुआ था शो में, ये देख सकते हैं करीब 12,795 रुपये का था और इस समय सबसे सस्ता चल रहा है। और इसका कुछ रिव्यू देख सकते हैं आप, इसमें लगभग 20 से ज़्यादा हम आपको रिव्यू दिखाएंगे, जो कि लगभग फ्लिपकार्ट और अमेजोन के होंगे। आप देखने से पहले इसका रिव्यू देख सकते हैं। 4.57 की इसकी रेटिंग है समथिंग। जिस प्राइस रेंज में फ़ोन मिला है, इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा फ़ोन है। चलने के बाद आप इसको स्पेक्स के बारे में डिटेल से देख पाएंगे। और फ्रेंड, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।